अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ जो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और ये चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं, कंजूसी करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसे तो मत करें। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर किया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक जो कि है नेगेटिव सेंटेंसेस। जाहिर सी बात है, नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले नंबर पे आएगा फाइल, सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूले में लिखा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे लगता है इमदादी फेल जो कि है इस टेंस में डिड, तो हेल्पिंग वर्ब। और तीसरे नंबर पे नहीं आएगा, नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होगा। और आखिरी नंबर पे फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का। यहाँ पे देखे मैंने लिखा है पहली हालत फेल की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म लगाया करते थे सब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे पहली हालत क्यों आ गई, इसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ पे जो इमदादी फेल है वो पहले से ही दूसरी फॉर्म है। ये डिड, ये असल में डू डू की दूसरी हालत है, डू डिड डन। तो एक सेंटेंस में दो सेकंड फॉर्म्स नहीं आ सकते हैं। तो जब इमदादी फेल सेकंड फॉर्म का लग गया तो आखिर में फिर जो वर्ब लगेगा वो सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसकी। तो ये बात समझने के लिए देखें, यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। मैं का सब्जेक्ट लेके मैंने एक जुमला लिखा है कि मैंने नहीं खाया। तो यहाँ पे तो आखिर में आप देखें ये अलिफ इसमें आ रहा है, ये इसकी पहचान है कि ये इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस पास्ट वाला उसकी बात हो रही है, और नहीं आ रहा है तो ये उसके यानी मनफी जुमले हैं। तो ये जुमला अगर हम इंग्लिश में लिखें तो यहाँ पे देखें आई का सब्जेक्ट लगेगा, फिर उसके बाद फार्मूले के मुताबिक डिड लगेगा, और फिर तीसरे नंबर पे नॉट आ गया, फिर खाने के लिए ईट आ गया। और ये ईट आप देखें फर्स्ट फॉर्म है। अगर पहले जुमले में हमने ये इस्तेमाल किया था पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो वहां पे हम क्या लिखा करते थे, एट, ATE, वो सेकेंड फॉर्म थी इसकी। लेकिन ये चूंकि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो यहाँ पे वो फर्स्ट फॉर्म लग गया। ये ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दूसरे फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए ये वाला फर्स्ट फॉर्म आ गया। अभी हम का सब्जेक्ट लेके हमने ये जो लिखा कि हमने नहीं सुना, तो यहाँ पे देखें वी का सब्जेक्ट हमने लगाया, फिर उसके बाद हमने डेट लगाया, फार्मूले को हमने फॉलो किया, फिर उसके बाद नॉट लगाया, और सुनने के लिए आता है हेयर, तो उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई हेयर। तुमने नहीं पकड़ा तो तुम यहाँ पे यू का सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद डिड आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, और पकड़ने के लिए कैच, तो कैच का फॉर्म लग गया पहला। और ये देखिए ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि क्रिकेट सब पसंद करते हैं। तो क्रिकेट में हम कहते हैं यू वॉज कॉट बिहाइंड, तो वो कॉट जो आता है वो उसकी दूसरी फॉर्म होती है। तो और उसकी पहली फॉर्म क्या है, कैच है। फिर हमने एक सेंटेंस बनाया, ये तो चौथे नंबर पे हमने ये सेंटेंस बनाया। तो ये हमने वो का सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे वो नहीं आया, तो वो के लिए हमने ही लिखा, फिर उसके बाद डिड नॉट कम। कम फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड जो है केम है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी तरह है, कम कम केम कम। अभी हम दो तीन और सब्जेक्ट्स लेके जुमले बनाते हैं। तो
फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। वो नहीं सोई तो यहां पे हम शी का सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डिड आ गया, फिर नॉट आ गया और फिर सोने के लिए स्लीप फर्स्ट फॉर्म। फिर वो नहीं पहुंचे ये आज एक नया लफ्ज आपके इजाफे आपके इलम में इजाफा हो जाएगा, तो वो क्या है, दे आ जाएगा वो के लिए, फिर डिड आ जाएगा, फिर नॉट और पहुंचना रीच, तो हम यहाँ पे लगाएंगे रीच, वो नहीं पहुंचे। और आखिरी एक जुमला हम इट का सब्जेक्ट लगा के बारिश नहीं हुई, तो इसमें इट का सब्जेक्ट आएगा इट, डिड, नॉट, रेन। तो ये ख़त्म हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक, और बहुत ही आसान था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा सब कुछ। तो इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, आसपास सबका बहुत ख्याल रखिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।